आने वाले 10 साल में सोसाइटी में इतने चेंजेज आने वाले, टेक्नोलॉजी में इतने चेंजेज आने वाले जो आप सोच भी नहीं सकते। तो फ्यूचर में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में, उनसे सोसाइटी में बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो हमारे तरीके काम करने के, जो बिजनेस प्रोसेस है, वो चेंज हो जाएंगे। तो इमर्जिंग टेक की जब बात करते हैं तो टॉप 5 इमर्जिंग टेक जो है वो है VR, AR, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और क्रिप्टोकरेंसी। और ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर बजवर्ड भी है, जिनकी लोग ज़्यादातर आज के टाइम में बातें करते हैं। यूथ काफ़ी एक्साइटेड है क्रिप्टोकरेंसी को लेके, ब्लॉकचेन को लेके। कई सारे IT कंपनीज में ब्लॉकचेन को लेके काम हो रहा है। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में सैलरी जो है वो आपका जो इंडस्ट्री है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, उससे 5 से 10 गुना ज़्यादा मिलती है। तो आज हम बात करने वाले, ब्लॉकचेन है क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी स्टार्ट कैसे हुई और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट इसके लिए क्यों है, क्यों लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इस पर VC फंडिंग हो रही है और क्यों लोग इस पर जॉब करना चाहते हैं। सो ब्लॉकचेन जो है, देखा जाए तो एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक डेटाबेस है, एक लेजर है, और जो डेटा जो है वो रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड कीप करता है। और जो उस ब्लॉकचेन लेजर पे एक बार रिकॉर्ड हो गया तो वो फॉरएवर उस ब्लॉकचेन लेजर पे रहता है। उसको कोई रीराइट नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता और कोई उस पर सिस्टम को करप्ट नहीं कर सकता। और उसको रिकॉर्ड मेंटेन जब होता है तो उसकी जो कॉपी होती है, जितने लोग उसको रिकॉर्ड कीप कर रहे हैं, जो जो सर्वर नोड्स है या जो नेटवर्क पार्टिसिपेंट है, जो ब्लॉकचेन नेटवर्क अपनी बैंडविड्थ दे रहे हैं या फिर उसको अपनी रिसोर्सेज दे रहे हैं, उनके पास सेम टाइम पे वो रिकॉर्ड जो है वो अपडेट होता है। तो डेटा जो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है, ब्लॉक जो होता है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। और जो ब्लॉकचेन का डेटा जो होता है वो लगातार सबके पास उसकी कॉपी जो है वो रिप्लिकेट होती जाती है। और एक बार ब्लॉकचेन पे कोई रिकॉर्ड हो गया तो उसको आप ना डिलीट कर सकते हो, ना उसको रीराइट कर सकते हो, वो वहाँ पे हमेशा के लिए रहेगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, कितने टाइप के ब्लॉकचेन होते हैं। सो ब्लॉकचेन जो जनरली 3 टाइप के ब्लॉकचेन नेटवर्क होते हैं। पहला होता है पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क में जितने भी डेटा होता है, जितना भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। उसमें उनके पब्लिक एक्सप्लोरर पे जाके कोई भी सर्च कर सकता है। जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन होता है, इथेरियम ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन होता है। तो आपको किसी का इथेरियम एड्रेस पता है तो आप उसके एक्सप्लोरर में जाके उसका एड्रेस डाल सकते हो। तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसकी ओवरऑल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी, उसके पास कितना अकाउंट बैलेंस है, कहाँ पे उसने इथेरियम जो है वो ट्रांसफ़र किया है, कहाँ से उसने रिसीव किया है, पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। बट डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है उसमें। अब बात करते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन की। जो बड़ी IT कंपनीज वगैरह है वो तो अपना डेटा पब्लिक नहीं करेगी, तो वो अपने लिए प्राइवेट ब्लॉकचेन के इंफ्रा पे काम करती है। उस पर डेटा का एक्सेस लिमिटेड सेट ऑफ पार्टिसिपेंट के पास होता है। जिनको वो अलाउ करते हैं उनको वो डेटा का एक्सेस मिलता है, वो लोग एक्सप्लोरर में जाके सर्च करके डेटा का एक्सेस ले सकते हैं। तो ये जो कंपनियाँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी बैंक्स वगैरह हो गए, या फिर अभी जो इंडिया का डिजिटल रुपया आने वाला, वो भी एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है। अब अपन थर्ड जो ब्लॉकचेन की बात करते हैं, कंसोर्शियम ब्लॉकचेन। तो कंसोर्शियम ब्लॉकचेन में क्या होता है कि कई सारे लोग मिलके, ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलके एक ब्लॉकचेन बनाती है, उसमें डेटा का एक्सेस जो होता है आपस में शेयर करती है, तो उसको कंसोर्शियम ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो ये तो 3 टाइप के ब्लॉकचेन नेटवर्क हो गए। अपन बात करते हैं ब्लॉकचेन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ ब्लॉकचेन की इतनी बढ़िया है कि लोग जो बड़े बड़े बिजनेस प्रोसेस है उसके ऊपर मूव करना चाहते हैं। पहला जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बहुत खतरनाक है उसका। उसमें जो है वो इंक्रिप्शन हैश वगैरह यूज होता है, जिसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए उसको बिटकॉइन के नेटवर्क की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि उसको आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये जो सिक्योरिटी का उसका प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें मूव करना चाहते हैं। सेकंड बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर के अंदर, तो बिटकॉइन में डेटा अवेलेबल हो जाता है सबको सेम टाइम पे, तो डाउन टाइम नहीं होता। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इसमें जो डेटा होता है वो आप उसको प्रूफ कर सकते हो, वो डेटा आपका है, तो प्रूफ ऑफ ओनरशिप उसमें आपको मिल जाती है। चौथा उसमें है कि डेटा का एक्सेस आप डिसाइड कर सकते हो, किसको आपको डेटा का एक्सेस देना है, किसको नहीं देना। तो अल्टीमेटली सिस्टम जो है उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, सिस्टम में करप्शन होता है वो खत्म हो जाता है। इसके लिए जो IT कंपनीज वगैरह है, या फिर जो बड़े बड़े बिजनेस है, जो बड़े बड़े स्टार्टअप है, पेमेंट स्टार्टअप्स हो गए, या फिर जो फिनटेक के स्टार्टअप हो गए, वो ब्लॉकचेन के ऊपर एप्लीकेशन बना रहे हैं। और फ्यूचर में इसका यूज केस काफ़ी बड़ा होने वाला है। आने वाले 10 साल में बहुत सारे एप्लीकेशन जो आप इंटरनेट पर देखते हो वो ब्लॉकचेन पर मूव होने वाली है। सो दैट इज़ द फ्यूचर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स।